हबीबी वेलकम टू माय व्लॉग आसियास दुबई डायरीज। ये है ग्लोबल विलेज का पार्ट टू। पार्ट वन आप सब ने देख लिया है ना, चलो चलते हैं पार्ट टू में। और ये नाइट व्यू है मेन एंट्रेंस का, और ये मोस्ट अट्रैक्टिव एंट्रेंस है ऑफ द ग्लोबल विलेज। और हम चलते हैं अब इंडिया के पेविलियन में। सबसे बड़ा पेविलियन है इंडिया का ही, बहुत बड़ा था। चलो चलते हैं इंडिया के पेविलियन के अंदर। एंटर होते ही ये राजस्थान के टॉयज सेल कर रहे थे, बहुत प्यारे थे टॉयज। और यहाँ पर फुटवेयर, ड्रेसेस, सैरीज, बेडशीट्स, एवरीथिंग, ग्रॉसरीज, एवरीथिंग सेल कर रहे थे। बहुत बहुत बड़ा स्टॉल था। और यहाँ पर देसी चाट, पानी पूरी, दही पूरी और साउथ इंडियन टिफ़िन सब कुछ अवेलेबल था इस पेविलियन में। और यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल भी मिल रहा था, बट मुझे तो कॉस्टली लगा। 150 ml कुछ 150 dirhams में सेल कर रहे थे, यानी 2500 या 3000 में सेल कर रहे थे। बहुत कुछ बहुत कॉस्टली दिखा मुझे। और यहाँ से हम गए थे रोड ऑफ एशिया में। और रोड ऑफ एशिया में जो एशियन कॉन्टिनेंट में है मिलते प्रोडक्ट्स और शॉप्स और सब कुछ लगाए हुए थे। रोड ऑफ एशिया भी बहुत अच्छा लग रहा था। चलो चलते हैं रोड ऑफ एशिया के अंदर। यहाँ ड्रेसेस, फुटवेयर, ज्वेलरी सब प्यारे प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा कॉस्टली थे। हमने यहाँ पर स्पेनिश चूरोस ट्राई किया था, बहुत अच्छे थे और बच्चों का तो बहुत पसंद आएंगे चूरोस। और हर पेविलियन में परफॉर्मेंस चल रहे थे। हम लोग यहाँ पर पहुँचने पर यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था रोड ऑफ एशिया में। ऐसा हर पेविलियन में वो लोग के कल्चर बताते हुए डांस कर रहे थे। और यहाँ से हम चल पड़े किड्स प्ले एरिया में। और इशू का ये फेवरेट डिगर स्लैब है। यहाँ पर एक्सकवेटर्स, JCBs, डम्प ट्रक्स और
शिव ने टिग्गर स्लैब में सैंड दिख किया था और बहुत एंजॉय किया। और वहाँ से हम कुछ खाने के लिए गए थे बंदू खान शीख कबाब्स में। ये शीख कबाब्स बहुत एमी थे और तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हुए थे और फायरवर्क्स बहुत अच्छे थे, ब्यूटीफुल थे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।